हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लेसन। और आज इस वीडियो में हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या फिर एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं। आज जो मैंने मार्केट में देखा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए ये मार्केट है और मार्केट में आपको जितना हो सके उतना अनुभव लेना पड़ेगा। अगर अनुभव नहीं है तो मार्केट में हर समय धोखा ही मिलेगा, क्योंकि बाज़ार है। बाज़ार में मेरे हिसाब से जब मान लो मैं काफ़ी सालों से ट्रेडिंग करता हूँ, बहुत साल हमने पैसा खोया और अब पैसा जाता नहीं है, कम मात्रा में आता है। और पहले पैसा जाता था, अब जाना रुक गया है तो अब आना भी पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो सब पैशन से होती हैं, सारी चीज़ें पैशन से होती है, हिम्मत से होती है, हौसला रखने से होती है। और कई सालों तक तो हम गलतियां दोहराते रहते हैं। सबसे बड़ी जो मिस्टेक है लाइफ में जो हम करते हैं वो है गलतियां दोहराते हैं। बाज़ार में पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है वैसे देखा जाए तो, लेकिन जो गलतियां हैं ना, जो आदतें हैं, वो आदतें कभी सुधरती नहीं हैं। सबसे मेरे हिसाब से तीन आदत जो अगर हम, हालांकि उनको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीन आदत ही रखनी है। यहाँ तो एनालिसिस तो करेंगे ही, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको इसलिए इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने वीडियो खुद देखता हूँ बाद में, क्योंकि मैं पहले नोट्स बना के रखता था और फिर नोट्स कभी पढ़ता नहीं था, इसलिए गलतियाँ बार बार होती थी, समझ में नहीं आता था। अब क्या मैं करता हूँ, जब मैं मान लो मुझे कुछ सीखना है तो मैं दूसरे के वीडियो तो देखता ही हूँ, एक्सपीरियंस वाले यूट्यूब जो ट्रेडर के, उसके बाद में मैं अपना भी वीडियो देखता हूँ, मेरा रिवीजन हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि कभी भी ट्रेड करना है ना तो ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर बाज़ार ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली हमको कॉल ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप पुट के बारे में सोचेंगे तो पहला झटका आपको वहीं मिलेगा, बिल्कुल। इसको बोलते हैं रिवर्सल ट्रेड। अगर ऊपर जाते हो बाज़ार में, अगर आप पुट खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप रिवर्सल ढूंढ रहे हैं। रिवर्सल ढूंढने का मतलब ये है कि यहाँ पर बाज़ार ऊपर जा रहा है और मुझे पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने फाइंड आउट कर लिया है, फिर भी मैं यहाँ पर टॉप का इंतज़ार करूँगा और पुट खरीदूँगा। इसमें भी हमने बहुत सारा पैसा खोया, ठीक है। क्यों ऐसा? जब आपको पता लग रहा है कि बाज़ार ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदिए, है ना। एक तो ये है, मतलब ट्रेंड अगेंस्ट ट्रेंड कभी ट्रेड नहीं करना। दूसरा है स्टॉप लॉस। मैं तकरीबन 8-9 साल तक स्टॉप लॉस नहीं लगाया। स्टॉप लॉस लगाना मैं रियल में दूसरे ट्रेडर्स को बेवकूफ़ जैसा समझता था, लेकिन स्टॉप लॉस जो है, मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल में वीडियो बताऊंगा, फिर भी आज बताता हूं कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना है। आपने 10,000 रुपये के मान लो 50,000 रुपये कर दिए हैं, 50,000 रुपये हो गए आपके, एक महीने में हो गए, दो महीने में हो गए, जितने भी दिन में हो गए आपके, है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 महीने में हो गए, ठीक है। अब आपने इस सौदे को या फिर इस प्रॉफिट को पूरा करने के लिए 20 ट्रेड लिए हैं, ठीक है। हालांकि इतने ट्रेड आपको सेफ होने ही नहीं देता बाज़ार, एक ध्यान में रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ट्रेड तक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। उस इन्हीं 10 में एक ऐसा ट्रेड मिलेगा जो आपका, ये जो कैपिटल जो आपका 10,000 है ना, जो 50,000 हुआ वो एक ही झटके में आपका 25,000 पे लेके आएगा। वो कौन सा ट्रेड होगा? वो अनसेफ ट्रेड होगा, वो जो नियम के खिलाफ जाने वाला ट्रेड होगा, जिस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं होगा, है ना, स्टॉप लॉस नहीं होगा। ऐसा ट्रेड, स्टॉप लॉस होने वाला ट्रेड इतना आपका कैपिटल आधा कभी नहीं करेगा, ये दे। और जब आपका स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर किसी कारण से हमने ओवर स्मार्टनेस दिखाई और हमारा कैपिटल पहले 10,000 था, फिर वो एक दो महीने में 50,000 हो गया, और फिर एक ट्रेड हमको ऐसा मिला जिसमें वो 25,000 पे आ गया, 25,000 पे आ जाएगा। देखिए 3 दिन लगते हैं बाज़ार में, आपको 10,000 रुपये से 50,000 करने में लग गए 2 महीने में, ठीक है, 2 महीने में, 2 महीने लग गए 50,000 रुपये करने से। 50,000 रुपये से अगर आपको 10,000 रुपये में आना है ना, 3 दिन चाहिए बस, 3 दिन में काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया या फिर कोई भी ओवर स्मार्टनेस से हमारा कैपिटल हो गया है आधा। अब यहाँ पर जो तीसरा जो कारण है, स्टॉप लॉस लगाने के बाद हमारा ईगो जो है ना, वो ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है, ठीक है।
स्पेलिंग पर मत जाइएगा, जो भी होगा स्पेलिंग ईगो ईगो हट हो जाता है। हमको लगता है अच्छा मैंने 10,000 से 50,000 किया और मार्केट ने उसे आधा कर दिया, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाई जब हमारा आधा कैपिटल रहता है ना, तो हम उसी दिन रिकवर करने की कोशिश करते हैं और हम अनसन ट्रेड लेने लगते हैं। कोई भी ट्रेड ले रहे हैं हम, मतलब आगोश में बाज़ार ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, कॉल पहले 10 रुपये का था, फिर वो 20 का हो गया है, फिर 30 का हो गया है, और हम यहाँ पर ख़रीद लेंगे और हमारा गलती से मतलब इत्तेफाक से वो उसी टाइम पे ख़रीदारी आ जाती है जिस टाइम पे उसे नीचे आना होता है, ठीक है। फिर वो 30 का 35 हो जाएगा, हम तो सोच रहे थे कि भाई पहले 10 का 20 हो गया, 20 का 30 हो गया, 30 का 40 हो जाना चाहिए तो मैं एग्ज़िट हो जाऊँगा। वो नहीं होगा भाई साहब, 30 और 32 भी बहुत मुश्किल से जाएगा और 30 का वापस 10 रुपये आ जाएगा, वापस 10 रुपये आ जाएगा। तो मतलब ये 25,000 जो था ना, ये फिर 15,000 पे उसी दिन आ जाएगा, ईगो से आ जाएगा, बदला लेने के चक्कर में बाज़ार से उसी दिन आ जाएगा। तो एक इसको बोलते हैं इमोशन पर कंट्रोल करना। सबसे पहला क्या था, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस चाहे कहीं पर भी लगाएं, जिस भी तरीके से आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है आपने 10 ट्रेड लिए है ना, स्टॉप लॉस लगाने का मतलब ये है कि आपने 10 ट्रेड लिए हैं, 10 ट्रेड में आपने प्रॉफिट कमाया है, एक ट्रेड विरुद्ध चला जाएगा स्टॉप लॉस में, मान लो 2 ट्रेड का पैसा खा जाएगा ना, तो 8 ट्रेड का पैसा आपके पास सेफ रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर 7 ट्रेड का सेफ रहेगा या 5 का भी रहेगा, चलेगा कोई बात। लेकिन स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाया तो जो 1,000 रुपये 1,000 रुपये 2,000 रुपये हम इकट्ठे करते हैं वो सारा एक ही दिन में साफ हो जाएगा, और जितना कैपिटल हम लेके मार्केट में आए थे फाइनली हमारे पास उतना ही बचेगा। और जब हमारा ईगो बीच में आ जाएगा तो वो भी नहीं बचेगा, 5 बचेगा, 2 बचेगा, और अगले दिन वो भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए एनी में तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और ट्रेड लेने के लिए सबसे पहला जो मैंने एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ मैं, अभी हम इस वीडियो में के बारे में बात नहीं करेंगे, इसका एनालिसिस हम नहीं करेंगे कैसे ऊपर गया कैसे नीचे आया, मैं आपको स्टॉप लॉस इसके बारे में ही बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। ट्रेंड अगर नीचे जा रहा है तो आपको पुट खरीदना पड़ेगा, पुट खरीदना पड़ेगा, आपको टॉप का इंतज़ार करना ही पड़ेगा जहां आपको पुट खरीदना होगा, ठीक है। बाज़ार नीचे जा रहा है तो कभी भी कॉल का रास्ता मत देखिए, मत देखिए, डूब जाएगी दुनिया हमारी, और ऊपर जा रहा है तो कॉल, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, इंतज़ार करेंगे, रिवर्सल का इंतज़ार करेंगे, बॉटम का इंतज़ार करेंगे, बाज़ार मौका देता है। यहाँ पर देखिए बॉटम पे आ गया और यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेड लिया तो मिला है ना, यहाँ पर थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। हमको सिर्फ ज़रूरत होती है 1 और 2% की, ठीक है। मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया है, स्टॉक मार्केट में पैसा बहुत है, बहुत है, सिर्फ दिखता है, वो हमारे लिए नहीं है, वो किसके लिए है, जो ये नियमों का पालन करता है, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेता है। दूसरा है आपको स्टॉप लॉस लगाना आना चाहिए, और लगाना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लगाने से 10,000 रुपये का स्टॉप लॉस, आपके पास 10,000 रुपये का कैपिटल है, स्टॉप लॉस लगाने से आपके पास 8,000 रुपये बच गए, अगले दिन खेलने के लिए आपके पास बच गए, इससे सबक भी मिल गया और आपके पास कैपिटल भी बच गया। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा कोई भी ट्रेडर तो वो 5,000 हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे इमोशंस बदली हो जाएंगे, हम हावी हो जाएंगे बाज़ार के ऊपर, और बाज़ार आप तूफ़ान के सामने हम कितना भी ताकत लगाएंगे तो थोड़ी टिकेंगे, तूफ़ान तो हमको उड़ा ही देगा, वही बात है। बाज़ार के ऊपर हावी होने से फ़र्क क्या पड़ेगा बाज़ार को, हमारे जैसे तो कई घूमते हैं बाज़ार में, गुम हो जाते हैं, ये है। तो बाज़ार से पंगा नहीं लेना है, बाज़ार जितना देता है उतना लेना पड़ता है, तभी जाके 1-2% डेली के हिसाब से, नहीं तो बाज़ार में तो ऐसे ट्रेड बहुत मिलते हैं ना आपको। देखिए यहाँ पर, यहाँ से अगर जिसने भी कॉल बाय किया होगा, अगर मान लो उसने यहाँ तक होल्ड किया तो हुआ नहीं उसका डबल पैसा, आराम से हो गया, एक ही दिन में डबल हो गया है ना। लेकिन किसी का भी नहीं होता है, एक आधा हो जाता है किस्मत वाला, जो बहुत ज़्यादा वो है, हिम्मत भी है, इसमें सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे भाई कितना भी पढ़ाई करेगा किसको पता है कि बाज़ार यहीं तक जाएगा, कितने एनालिस्ट है दुनिया में, कितने ट्रेडर हैं, कितने इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को नहीं पता भाई साहब कहाँ जाएगा बाज़ार, ये इतनी तो गारंटी है किसी को नहीं पता। हाँ लोग अपने अपने डेटा के हिसाब से एनालिसिस लगाते हैं कि भाई यहाँ से अब नीचे जाएगा, यहाँ से अब वापस से ऊपर जाएगा, ये लगा सकते हैं, लेकिन यहीं तक जाएगा, यहीं से घूमेगा, यहीं तक जाएगा, यहीं से घूमेगा, ये सब
जो रिवर्सल्स आते हैं ये सब डेटा के ऊपर चलता है, परफेक्ट किसी का भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता है हम लोग भी LTP कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, बताता है कि एग्जैक्टली यहीं से घूमेगा, लेकिन 10 में से 10 भी बताएगा, और जिस दिन 10 में से 9 बताएगा ना, और जो एक ट्रेड नहीं बताएगा ना एक ट्रेड में, तो वहीं सारा लॉस ले जाएगा आपका, वहीं सारा लॉस जो है हमारा प्रॉफिट जो है सारा ख़त्म कर देगा। तो इसी इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 100% कोई भी नहीं है परफेक्ट, ठीक है। तो ये है, और बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे ना, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, फिर ओवर ट्रेडिंग, फिर एक नंबर लिखता हूँ मैं, ट्रेंड्स के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और दूसरा है आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, तीसरा है आपका इमोशंस पे कंट्रोल होने चाहिए, है ना, इमोशंस पे कंट्रोल होने चाहिए। इमोशंस हमारे कब बिगड़ते हैं, जब हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, या फिर स्टॉप लॉस के कारण नहीं लगाने से लॉस हो जाता है, वो है। अच्छा, एक और चीज़ है, भागते हुए बाज़ार के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। भागते हुए बाज़ार आपके सामने से नोट उड़ रहे हैं, वो हमारे काम के नहीं है। हमारे काम के वही हैं जो हमारे पास आए हैं, ठीक है, हमारे जेब में चले गए हैं, हमारे आँखें सामने से उड़ के चले गए, वो सब हमारे काम के नहीं है, ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं करना है, मैंने आपको बता दिया है, चार नंबर पॉइंट है कॉन्ट्रा ट्रेड। मैं तो नहीं करता हूँ, आप लोग में से बहुत सारे लोग करते हैं, रिवर्सल्स में देखते हैं, अभी यहाँ पर भाई पुट तो खरीदना पड़ेगा, तो ये कॉन्ट्रा ट्रेड ही हो गया है, ठीक है। बाज़ार यहाँ आ गया तो यहाँ से कॉल खरीदना पड़ेगा, ये कॉन्ट्रा ट्रेड हो गया है, बाज़ार चाहे कहीं पर भी जाए। और तो ये ओवर स्मार्ट लोग होते हैं, मतलब ओवर स्मार्ट तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन समझदार होते हैं, इनको नॉलेज का पता है कि भाई यहीं से रिवर्सल करेगा, है ना, ये अंदाज़ा लगता है। देखिए, जहाँ से ये रेड कैंडल क्लोज होगा वहीं से ग्रीन शुरू हुआ, तो ये 8-10 पॉइंट तो जाएगा ही ऊपर, ये लोगों का अंदाज़ा होता है। देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ये लाइन खींच रखी है, अब ठीक है एग्जैक्टली इसी से ऊपर चला गया है ना, यहाँ पर भी खींच रखी है, देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे किया और यहीं से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, और ये जो ऊपर वाली खींची है अभी इसी के नीचे से आ गया है, तो हमने कहीं से सीखा होगा, तब हमको पता है कि भाई देखो यहाँ पर भी देखिए इस रेड लाइन से एग्जैक्टली चला गया है। यहाँ पर हमारा इंडिकेटर देखिए, ये देखिए डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर, अगर इसको सीध में लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डबल बॉटम बनता है और यहाँ से बाजार ऊपर चला गया है ना, यहाँ पर देखिए वी शेप बॉटम बन गया है, यहाँ से बाजार ऊपर चला गया है। तो ये पढ़े लिखे लोग अगर है, आपके पास नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर बॉटम बन गया है, यहाँ से भी बाजार ऊपर चला गया है, ये लोग तो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरे मतलब जो नए हैं, या फिर जिनको बाज़ार में अभी अभी आए हैं, या फिर काफ़ी सालों से है लेकिन जानकारी कम है, तो वो लोग भी फंस सकते हैं। उसके बाद में और क्या चीज़ है कि भाई मेरे हिसाब से तो मैं जो करता हूँ, कितने पॉइंट होंगे, चार, मेरे ख्याल से चार हो गए ना, ये पांचवा पॉइंट है मेरे हिसाब से, कि दिन में एक या दो ट्रेड, इससे ज़्यादा नहीं लेना है मेरे तो हिसाब से। और जिस दिन लॉस हो गया ना, उस दिन तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है भाई साहब, मैं तो नहीं लेता हूँ उस दिन ट्रेड, क्योंकि लॉस हो गया और उसको फिर लॉस होने के बाद आदमी का, मैं बताता हूँ ना, ईगो बहुत बेकार चीज़ है। ईगो अगर आपके अंदर ये आ गया कि मैं बाज़ार से बदला लूँगा, तो बाज़ार तो पूरी तरह चीट कर देगा। और कोशिश करेंगे कि भाई वोलेटिलिटी में ट्रेड करें, छः नंबर पॉइंट है ना, वोलेटिलिटी में ट्रेड, अगर जो भी इसका स्पेलिंग है, वोलेटिलिटी में ट्रेड होगा तो भी अच्छा है, क्योंकि हमको वहाँ पर एग्ज़िट करने का मौका मिल जाता है बहुत जल्दी। उसके बाद में वही मैंने बता दिया कि भाई पैसा चाहे रोज़ लोगों का डबल हो जाए, वो हमारे किसी भी काम का नहीं है, डबल के चक्कर में नहीं पड़ना है। हालांकि हम भी अपने वीडियोस में डबल या हुआ, यहाँ से ये कॉल डबल हुआ, 10 गुना ज़्यादा हुआ, 30 गुना ज़्यादा हुआ बताते हैं, लेकिन एक आधी बार वो किस्मत में पड़ गया तो पड़ गया, नहीं तो वो चीज़ काम की नहीं है। क्योंकि आप डबल के चक्कर में ना, डबल के चक्कर में मिलेगा आपको डबल एक दिन में, लेकिन डबल के चक्कर में फिर वो लालच पड़ेगा, फिर हम वो 1 और 2% नहीं ढूंढेंगे, फिर हम डबल ही ढूंढेंगे, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करेंगे, फिर वो देगा पटकनी, और ऐसे पटकनी देगा कि ट्रेडिंग के लिए फिर उधार लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, एक बार पैसा अगर इन सब गलत चीज़ करने से एक बार जाने लगता है, तो फिर पैसा जाने लगता है और 3 दिन में आपको खाली कर देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई पैसा कभी भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, कभी किसी का रोज़ डबल नहीं होगा। 1 और 2% पैसा लेंगे आपका तो 3 या 4 महीने में डबल हो जाएगा, मैं बताता हूँ, देता हूँ, 3 महीने में भी डबल हो जाएगा। तो आपका अगर आपके पास में 50,000 रुपये है, मेरे पास में मान लो 50,000 रुपये है, तो अब तो मैं अभी तक तो सीख गया था, कहीं आप में से बहुत सारे लोग फिर कमेंट करने लगेंगे कि भाई तुम्हारा क्यों नहीं हुआ, हो जाएगा। मेरे पास मान लो 50,000 है या 1 लाख है, जितना भी पैसा है मिनिमम, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल है, मान लो मेरे पास 50,000 रुपये, तो वो मुझे दो साल में ना, मतलब अगर मैं 1 या 2% के हिसाब से लूँगा तो
लूँगा और सारे नियम को फॉलो करूँगा तो मुझे ये वो आराम से 1 करोड़ के आसपास लेके जाएगा। ठीक है, 2 साल छोड़िए, 3 साल पकड़ लेते हैं, 3 साल पकड़ लेंगे तो ले जाने की कोशिश, मतलब वो मदद कर सकता है बाज़ार अगर सारे नियमों का पालन करेंगे तो। ठीक है, अगर आगोश में आ गए, बाज़ार ऐसी चीज़ है आपको लालच देता है, ठीक है, लालच देता है और हमारे जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करने की शक्ति हमसे छीनने की कोशिश करता है बाज़ार, सबके साथ ऐसा होता है। तो वो अगर ऐसा हुआ, ये 8-10 पॉइंट में से एक भी पॉइंट मिसिंग हो गया, तो मिसिंग का मतलब कोई चांस नहीं है, सेफ सेफ रहने का कोई भी चांस नहीं है, वहाँ पर पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर एक एक समझ लीजिए कि नॉकआउट सिस्टम है ये। आपके पास में 10 बातें आप लेके चले हैं तो 10 के 10 बातें आपको फॉलो करनी है, नहीं तो ये नॉकआउट सिस्टम है। अगर 10 में से 1 भी बात चली गई, ये मैं आपको इस पूरी की पूरी 10 बातों को यहाँ पर डिस्प्ले में डाल दूँगा बढ़िया सी स्लाइड बना के, उसमें से 1 भी बात चली गई तो नॉकआउट सिस्टम के तहत एग्जिट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा हमारा, और फिर हम उस 1 करोड़ वाला 1 CR वाला जो हमारा वो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर इस चार्ट को मैं चेंज करता हूँ, 1 डे का कर दिया है। यहाँ पर देखिए, अब इस चार्ट में आप हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि बाज़ार ने टॉप लगाया है, ऑल टाइम हाई लगाया है, तकरीबन 50,000 के आसपास बाज़ार गया और वहाँ से नीचे आ गया। तो देखिए, एक ट्रेडिंग सेशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब तकरीबन 15 दिन से बाज़ार नीचे आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पर कॉल ही ढूंढेंगे, एक बात सोचने वाली है, तो क्या हम यहाँ पर कॉल ही ढूंढेंगे? हमको यहाँ पर मान लो ये ट्रेडिंग सेशन है, क्या यहाँ पर हम कॉल ढूंढ सकते हैं? हमारा अगर एनालिसिस कहता है कि बाज़ार आज तो दिन भर गिरेगा, तो हम कॉल उस दिन में ढूंढ नहीं पाएंगे, वो हमारे लिए कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप कॉल भी ढूंढ सकते हैं और पुट भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि ये होलाटाइल सेशन है ना, यहाँ पर कॉल भी ढूंढ सकते हैं, पुट भी ढूंढ सकते हैं। और ये जो फर्स्ट कैंडल है टॉप वाला, ये भी वैसे ही था, कॉल भी ढूंढ सकते हैं और पुट भी ढूंढ सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ या फिर ये साबित करने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर भी हम कॉल पुट ढूंढ सकते हैं, कॉल भी ढूंढ सकते हैं, पुट भी ढूंढ सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि इसमें भी, जो पूरा फ्लैट गिरा हुआ बाज़ार है ना, या फिर फ्लैट ऊपर गया हुआ बाज़ार, यहाँ यहाँ पर भी हम पुट ढूंढ सकते हैं, वैसा देखा जाए तो पुट ढूंढ सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले तो बाज़ार जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो कॉल और नीचे जा रहा है तो पुट, ये चीज़ है। अगर ये चीज़ मान लो समझ में नहीं आ गई है, या फिर हमको चलो नहीं समझ में आ गई या फिर नहीं ले पाए, तो दूसरा चीज़ ये है, दूसरी चीज़ है, बाज़ार जा रहा है इधर मान लो ऊपर और ये जा रहा है नीचे, तो हमें इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका कोई हमको मतलब, ये कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आज बाज़ार ऊपर जाएगा, नहीं आज तो मैं कॉल ही खरीदूंगा यार, आज बाज़ार ऊपर जाएगा, नहीं, ये टीवी पे भी बता रहे हैं, मेरा एनालिसिस भी बता रहा है, हर चीज़ बता रहा है, नहीं मैं कॉल ही खरीदूंगा, 9 बजे ही हमने फैसला कर लिया। ठीक है, अब बाज़ार क्या होता है भाई, कभी कभी गैप अप ओपन होता है, कभी गैप डाउन ओपन होता है, जैसी मर्जी उसकी वैसे होता है। तो आपने सोच लिया कि नहीं आज कॉल ही खरीदेंगे, तो क्या कॉल खरीद पाएंगे? और बाज़ार मान लो उस दिन नीचे गया तो कहाँ से खरीदेंगे, है ना? फिर कहीं कई लोग बोलते हैं नहीं आज तो भाई लड़ाई हो गई है, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, ईरान का फलाने देश से शुरू हो गया, आज तो बुरी तरह बाज़ार गिरेगा, आज तो मैं पुट ही खरीदूंगा, बाज़ार ओपन होते ही पुट खरीदूंगा। ठीक है, ओपन होते ही पुट खरीदूंगा, तो क्या खरीद पाएंगे? ऐसे वाले ट्रेडर को भी पटक नहीं मिलती है। कहने का मतलब ये है, चाहे बाज़ार ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, हमें इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सबसे बेस्ट रास्ता ये है कि बाज़ार चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपने ट्रेंड फाइंड आउट कर लिया कि बाज़ार आज ऊपर जाएगा, चाहे फिर बाज़ार टॉप में हो चाहे फिर बॉटम में हो। ठीक है, आपको लगता है बाज़ार ऊपर जाएगा, आपका एनालिसिस कहता है सी खरीद दीजिए, आपको लगता है कि बाज़ार नीचे जाएगा, दुनिया में चाहे कोई भी न्यूज़ हो कुछ भी हो, बाज़ार ने तो आज गिरना ही है, तो फिर उस दिन हम कॉल क्यों खरीदेंगे? उस दिन तो हम पुट खरीदेंगे ना, है ना? तो बाज़ार कहीं पर भी जाए, डायरेक्शन आपने एक बार देख ली कि बाज़ार जहाँ जा रहा है या फिर जहाँ जा सकता है उस साइड में ट्रेड लेंगे, ये मेरा कहना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, हालांकि वीडियो लंबी होती हैं हमारी,
और हम ये बताने की कोशिश करते हैं ताकि हम भी इस चीज़ को दोबारा से अगर देखेंगे तो हमको भी पता चलेगा कि हाँ हमने ये एनालिसिस किया था कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ों को फॉलो करने से बाज़ार में हमारा कैपिटल जो है बच के रहेगा और आप लोग जैसे देखेंगे तो आपको भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपको लगता है तो हमारी वीडियो अच्छी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारे सालों का एक्सपीरियंस अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ शेयर करें तो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।